Hey guys, welcome back to my channel. तो मैं लाया हूँ आज आपके लिए एक realme band and redmi band के बीच का comparison. तो देखते हैं दोनों के बीच में क्या differences हैं and क्या similarities हैं. और end में मैं आपको बताऊँगा कि आपके लिए कौन सा band ज़्यादा बेहतर रहेगा. पहले इसके overview की तो सामने आपको मिल जाता है realme band में इसकी एक बड़ी सी photo and side में realme branding and back side में आपको मिल जाएगा इसके कुछ हाईलाइट फीचर्स, जैसे कि IP68 प्रूफिंग के साथ ये आता है. एंड आपको इसमें केबल के साथ चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसके स्ट्रैप को निकाल के आप इसे चार्ज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पावर बैंक एज वेल. एंड इसमें मिलता है आपको रियल टाइम हार्ट रेट सेंसर, और मैं इसकी पहले भी एक अनबॉक्सिंग वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ. ये है रियलमी का बैंड. एंड वो टाइम से लोग इसके स्ट्रैप्स के लिए कंप्लेन कर रहे थे कि स्ट्रैप्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो अभी आपको स्ट्रैप्स मिल जाएंगे इसके, इनकेस अगर आपने अपने बैंड का स्ट्रैप तोड़ दिया है. तो यहाँ के बैक साइड में आप देख सकते हैं कि ये इसका हार्ट रेट सेंसर है जो अभी ब्लिंक भी कर रहा है. बस इसके साथ मुझे जो कंप्लेंट है वो यही है कि आप जैसे कि देख पा रहे होंगे अभी मैं आउटडोर कंडीशन में शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अभी बहुत ही रेयरली आपको दिखेगा अनटिल अनलेस आप इसको ऐसे कवर करें, तभी आपको डिस्प्ले जो है विजिबल होगा. तो इसके लिए रियलमी ने एक OTA अपडेट भी पुश किया था जो कि आप रियलमी लिंक ऐप के थ्रू कर सकते हैं डाउनलोड, क्योंकि ये उसी के थ्रू कनेक्ट होता है, और उसमें आप इसके ब्राइटनेस को एडजस्ट करके मैक्स पे करके ट्रैक कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा ब्राइट सनी डे होगा तो फिर भी ये उतना फिजिबल मुझे नहीं लगा. और जो हमारे पास आता है रेडमी का स्मार्ट बैंड, वैसे हमें पता है कि मी स्मार्ट बैंड्स जो होते हैं बहुत ही बढ़िया होते हैं, मी बैंड 3 हो, 4 हो या इवन जो 5 हो, लेकिन Redmi के हाउस की तरफ से अभी तक कोई भी बैंड नहीं था, तो Redmi ने MI के अलावा ये बैंड निकाला है. तो लेट्स सी व्हाट एल्स वी गेट इन द बॉक्स. तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक क्विक स्टार्ट गाइड एंड वारंटी पेपर. तो ऊपर की साइड से अगर आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पर रखा हुआ है ये बैंड, एंड ये आता है एक पॉलीथीन कवर के अंदर. तो मेरे पास जो है ये भी एक ब्लैक कलर का स्ट्रैप है. तो उसके बॉक्स के ओवरव्यू को देखा जाए तो सामने इसमें भी मिल जाता है आपको USB के डायरेक्ट चार्ज का सपोर्ट, एक हार्ट रेट सेंसर एंड वाटर प्रूफिंग टिल 580m. तो मतलब इसकी वाटर रेटिंग में जो है डिफरेंस तो है वो IP रेटिंग के साथ आता है, ये आता है ATM रेटिंग के साथ, तो उसमें एक डिफरेंस है. अगर आप चाहते हो तो मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा. तो इसका जो प्राइस है 1600 के अराउंड है, वेयर एज जो रियलमी बैंड है वो आपको मिल जाता है 1500 से लेकर के 999 तक के बीच में, अगर कोई ऑफर चल रहे हो तो. तो आप इवन डिफरेंस देख सकते हैं दोनों बैंड्स के, जो फिजिकल लेआउट है ये थोड़ा सा कर्व्ड है, कॉनकेव टाइप है, वेयर एज जो रेडमी बैंड है वो एकदम फ्लैट है. तो यहाँ से भी आपको दिख जाएगा कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में. एंड बैक साइड पर आपको मिल जाती है एक रेडमी की ब्रांडिंग, तो यहाँ पर लिखा हुआ है Redmi एंड ये है आपका हार्ट रेट सेंसर. वेयर एज अगर आपको करना है इसको डायरेक्टली चार्ज तो आप इसको प्लग आउट कर सकते हैं, यहाँ पर एक सिंबल बना हुआ है कि यहाँ पर आपको चार्ज करना है. तो देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ईजिली डिसलोकेट हो जाता है, और यहाँ से आपको इसको डायरेक्टली पावर बैंक के अंदर इंसर्ट करना है एंड ये डायरेक्टली चार्ज हो जाएगा. सेम आपको Realme में भी ये आपको फैसिलिटी मिलती है. तो दोनों के बैक साइड पर लिखा हुआ है USB, उसके साइड में पावर का सिंबल बना हुआ है, तो आप इसको ऐसे प्लग आउट कर सकते हैं. आपको दोनों बैंड्स में ये फीचर मिल जाता है. तो बेसिक जो यहाँ पर डिफरेंस मुझे लगता है, जो Redmi का बैंड है वो आपको आउटडोर कंडीशंस में थोड़ी अच्छी ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है इन कंपैरिजन टू Realme बैंड. लेकिन वही बात आ जाती है कि आपका फिर बजट थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, 100-200 रुपये आपको ऊपर देने पड़ेंगे. सो इट्स ऑल अप टू योर चॉइस कि आपको एक कैसा बैंड चाहिए. अगर आप ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि 999 में जब ये बैंड अवेलेबल होता है या ज़्यादा से ज़्यादा 1200 में अवेलेबल होता है, तो जस्ट गो फॉर द रियलमी बैंड. और इसमें बहुत सारे OTA अपडेट्स के थ्रू नए फीचर्स भी ऐड हो चुके हैं, जैसे कि आप इसमें आप म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं. वेयर एज जो अगर आपकी प्रेफरेंस है कि आप ज़्यादातर आउटडोर कंडीशंस में यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा रेडमी बैंड. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियोज़ गाइस, स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल फॉर मोर स्टफ. थैंक्स.